सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल तनवीर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाजिर हूँ मैं यानी तनवीर शेख आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तनवीर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएक्स प्लेयर का 3 ऐसे नए अपडेट के बारे में जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले चले जाएंगे अपने मैक्स प्लेयर में, एमएक्स प्लेयर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको ना, एमएक्स प्लेयर है आपके मोबाइल में तो उसे प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपडेट करने के बाद जो है ना सारे फ्यूचर आपको दिख पाएगा और सारे फ्यूचर का आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला फीचर तो यही है कि जो गेम मोड गेम का ऑप्शन आ गया था कि ये छोटा मोटा है, तो यहाँ पे गेम खेलकर आप आसानी से पैसे वैसे जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए लूडो खेल के भी आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे गेम हैं जिसको खेल करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर देखिए और कुछ फुल रिव्यू दिखाऊंगा आपको, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या है। तो ये देखिए ये म्यूज़िक का है, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे गाना के तरफ से यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे फाइल है, ये देखिए म्यूज़िक, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं म्यूज़िक को, यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक आप फ्री में सुन सकते हैं। ठीक है, ये वो सब म्यूज़िक है प्रीमियम, आप अगर कहीं दूसरे साइट पर सुनते हैं जैसे कि अमेज़न प्राइम या फिर कोई और हो गया गूगल प्ले म्यूज़िक, वहाँ से आपको पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पे नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, आप फ्री में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसे यहाँ पर हम चले जाते हैं फाइल में। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये हम चले जाते हैं एक किसी फाइल में अपने। ठीक है, यहाँ पर ये हेलो वाला फाइल है, हम इसमें चले जाते हैं, इस फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे एक मिनट बैकग्राउंड से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वीडियो पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये वीडियो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के ना यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट वाले बटन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये मिलता है आपको। ठीक है, लॉग इन प्राइवेट फोल्डर। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐड वाला बटन आ गया, अब ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो है ये प्राइवेट फाइल में लॉक हो गया। अब यहाँ से वो वीडियो नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। अगर आपको वही वीडियो देखना है तो सिंपल आपको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ 3 लाइन वाला बटन है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर फाइल आ गया है प्राइवेट फोल्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपने जो पासवर्ड लगाया होगा फर्स्ट टाइम जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको पहले नया पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा 2 बार, उसके बाद आपका फाइल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम अपना पिन यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। पिन एंटर करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, एक मिनट, ये हमने पिन एंटर कर दिया है, अब ये फाइल खुल गया। अब यहाँ पर देखिए वो वीडियो जो हमने वहाँ से हाइड किया था, प्राइवेट किया था, वो वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा अगर क्लिक करेंगे यहाँ वीडियो के 3 लाइन वाले 3 डॉट वाले बटन पर, तो यहाँ से हम ये देखिए अनलॉक कर सकते हैं, इसको अनलॉक करेंगे दोबारा ये फाइल वहीं चले जाएगा, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीचर है। दूसरा फीचर और दूसरे फीचर की बात करते हैं, तो बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर फिर से किसी वीडियो में जाएंगे, जैसे कि यहीं हेलो वाले फाइल में ही चले जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर से और मान लीजिए इस फाइल को शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमएक्स शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है, जिस तरह से आप जानते हैं कि सैरिट जो है बंद हो गया है। दूसरा अनदर फाइल अगर हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन फाइल शेयर करने के लिए, तो ज़रूरत ही नहीं है डाउनलोड करने का, जब हमारे पास एमएक्स प्लेयर में खुद दे रखा है ये वीडियो शेयर करने के लिए, ऑडियो शेयर करने के लिए, कुछ भी शेयर कीजिए। तो हम सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एमएक्स शेयर वाले बटन पे और यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर से इसे एक बार अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद वेट करते हैं, यहाँ पर अलाउ कर देंगे इस ये तीनों बटन को ना हम अलाउ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये अलाउ हो रहा है, हो गया दूसरा, तीसरा भी हो गया। अब ये देखिए अब ये ढूंढ रहा है डिवाइस को, दूसरा डिवाइस में भी मैक्स प्लेयर ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके भी आप स्कैन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपका कैमरा ऑन होने के बाद उनका क्यूआर कोड ऑन होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप सिंपली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे कैमरा को एक्सेस दे देंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप खुद एमएक्स प्लेयर से ही जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल वगैरह, वीडियो वगैरह कुछ। ठीक है,
तो और कोई फीचर है? चलिए देखते हैं, बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं कोई नया फीचर आया है MX Player के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इस वाले बटन को इस तरह से, ये जो बटन दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये वाला बटन हम ऊपर की तरफ करते हैं तो क्या होगा, सेंड कर सकते हैं हम फाइल इधर से, ठीक है। अगर हम इसे नीचे की तरफ करते हैं तो रिसीव कर सकते हैं फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी को इनवाइट करना है तो यहाँ पर से इनवाइट वाला बटन है, इसे इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला बटन है हिस्ट्री चेक करने का कि आपने कौन सा फाइल कब सेंड किया था या नहीं किया था। तो हमने किया नहीं है तो इसलिए खाली है ये। तो ये था इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो यार कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।